और अभी मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, क्योंकि हमारे आईआईटी में जो मेस वाला एरिया था, जिसका फर्स्ट फ्लोर था, जो मैंने कल आपको शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था कि वहाँ पे काफ़ी सारे नए कैफेटेरिया भी ओपन हुए हैं, और जो पुराने कैफेटेरिया थे जो यूटिलिटी ब्लॉक में थे उनको शिफ्ट कर दिया है वहाँ पे, तो उनका आज से प्रॉपर इनॉग्रेशन होने वाला है। डायरेक्टर सर भी आएंगे, रिबन कटिंग होगी, खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा और बहुत सारे लोग होंगे। इवन शायद मुझे लगता है केवी के बच्चे भी आएंगे। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अभी अराउंड 10:30 हो रहा है, 10:30 वो हाई टी का टाइम था आई थिंक। सो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो अभी मैं फटाफट से निकल रही हूँ और जाके इनॉग्रेशन अटेंड करूँगी, क्योंकि अभी मैं बैग लेके नहीं जाऊँगी और उसके बाद वापस आऊँगी। देन फिर उसके बाद एक इवेंट और है जो ऑडिटोरियम में होगा, तो चलो पहले ये वाला इवेंट अटेंड करते हैं, देन फिर उसके बाद जो मीटिंग वगैरह है वो करेंगे। और अराउंड 4:30 के होगा जो शाम वाला इवेंट होगा, तो उसमें भी अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली चलेंगे। सो चलो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो चलो फाइनली मैं अपना जो कैफेटेरिया वाला एरिया है वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और जो कैफेटेरियाज हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ चुकी हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि डायरेक्टर सर हैं वो आके जा चुके हैं, रिबिन कटिंग है वो हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, पर कोई नहीं, फाइनली हम जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं अभी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बर्गर हाउस वाले भैया हैं, इन्होंने कितना अच्छे से डेकोर कर रखा है ना, वेलकम लिखा हुआ है। ये अभी अभी नया वेंडर यहाँ पे आईआईटी में रिक्रूट हुआ है और ये अभी नए नए यहाँ पे आए हैं, और ये कितना स्वीटली हेलो बोल रहे हैं अभी हमें, ये काफी अच्छा लगा मुझे देख के। देन आगे की तरफ इन्होंने कॉफी या पानी रखा हुआ था, जिनको चाहिए वो ले सकते थे। साथ में ये एक दूसरी कैंटीन थी। देन फिर आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, फैकल्टीज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, सब चिल कर रहे हैं, खा रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है ये इवेंट। और फाइनली मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, तो जो खाने वाली साइड थी मैंने उसमें जाने का डिसाइड किया है अभी। तो जैसे ही मैं खाने के लिए गई तो मैंने देखा कि काफी कुछ चीजें हैं, लाइक जैसे पनीर पकौड़ा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कॉफी, काफी सारी चीजें इन लोगों ने बनाई थी, जो एक्चुअली खाने में भी बहुत ज्यादा अच्छे आइटम्स थे। और खाने पीने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि केवी वाले बच्चे भी आए हैं जो लड्डू खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लड्डू भी मिल रहे थे, तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे ये बच्चे, और मुझे भी काफी अच्छा लगा इनको देख के। और यहाँ पे क्यूटली एक बच्ची मुझे हेलो बोल रही थी, जो मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जैसे ही इवेंट खत्म होने के बाद 11:30 बजे के अराउंड मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से आईआईटी का, मैं पूरा एडमिन ब्लॉक देख पा रही हूँ, यहाँ पे सामने हॉस्टल्स वाला एरिया भी अच्छे से दिख रहा है, और ये हमारी नई बिल्डिंग है जिसमें पूरा ट्रांजिट कैंपस है वो शिफ्ट हुआ है, वो भी अच्छे से दिख रही है, और उसका वीडियो मैं उसके इनॉग्रेशन के टाइम अच्छे से बनाऊंगी आप लोगों के लिए। हाय गाइस, अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं लैब से अपना बैग लेके ऑडिटोरियम की तरफ जा रही हूँ, और जो मेन गेट वाला रास्ता है मैं उससे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इधर से आने का बड़ा मन कर रहा था। ये वाला व्यू है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जो नेक्स्ट इवेंट है वो ऑडिटोरियम में है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा आपको वो भी दिखा देती हूँ। मीटिंग मेरी नहीं हो पाई, सर आए नहीं अभी तक, तो हो सकता है मुझे इवेंट के बीच में भी कॉल कर सकते हैं, बट इट्स ओके, मैं आ जाऊँगी वापस। तो चलो चलते हैं और चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। फाइनली भी मैं ऑडिटोरियम पहुंच चुकी हूं और देखते हैं इवेंट है वो स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, देन उसके बाद चलेंगे वापस। जिससे कि जो हम जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं और जो हम उन्नति कर रहे हैं तकनीक के बारे में और ज्यादा पता चले। सच का ये रास्ता वीरान बहुत है, और किसी से जो हंस बोल लें तो क्या क्या ताने देते हैं लोग, किसी से जो हंस बोल लें तो क्या क्या ताने देते हैं लोग, यार उम्र के नुकसान बहुत है। हाय गाइस, तो अभी जो हमारे दोनों इवेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं, और वहाँ से मैं खाने के लिए ये जो आलू पेटी मिली थी वो लाई थी, बट ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। और मैंने उसके बाद आने के बाद सर के साथ मीटिंग भी कंप्लीट कर ली है, और मेरा जो काम पेंडिंग था वो भी कर लिया है, बट एक काम और बच गया, ये कुछ आंसर सीट्स बची हुई हैं जो बच्चों को दिखानी है मिड सेम वाली, तो उसके लिए मैं अभी नीचे जा रही हूँ। तो नीचे पहले मैं आंसर सीट्स दिखाऊंगी, उसके बाद मैं डिनर के लिए जाऊंगी, और फिर देखती हूँ डिनर के बाद रूम पे बैठ के पढ़ूंगी या फिर वापस यहीं पे आऊँगी, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, होप सो आपको दोनों इवेंट्स के वीडियो हैं वो भी पसंद आए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।